की एकदम, कितने खतरनाक से पहाड़ है एकदम लद्दाख जैसे। ये देखिए, ये ऊपर से गिरा हुआ कहीं से, भगवान जाने, और बहुत बड़ा पहाड़ है। रोड एकदम चकाचक आ गई भाई, 70-80 गाड़ी चल रही है। यहाँ से रास्ते कटते हैं दो दिशाओं में, रिकांगपियो, पांगी, कल्पा, लेफ्ट, पू, नाको, टाबो, राइट। गाइस फाइनली हम पिलो पहुंच गए हैं और बनाना ले लिया है हमने, घर का राशन ले लिया है, दही वगैरह सब कुछ। और चलो पीछे रखना आगे और चलते हैं, अभी एक दो बनाना निकाल लेंगे हम अभी। यहाँ पे मोड़ था ये, तो यहाँ पे देखो पोंपो लिख रखा है, हॉर्न का साइन बना रखा है, पोंपो कुछ नए तरीके से लिख रखा है। हर एक दिन नया देखने को मिलता है कुछ ना कुछ। गाइस पू विलेज में पहुंच गए हैं और यहीं पे ही पेट्रोल पंप था एक छोटा सा, और यहीं पे हम डीजल फुल करवा रहे हैं। आगे पता नहीं मिले ना मिले, कुछ कह नहीं सकते, तो इसी से यहीं से फुल करवा रहे हैं हम। यहाँ पे 87.72 है, यहाँ पे फुल करवा लेते हैं। इस 28 लीटर आया है 2500 रुपये का, और देते हैं कैश और फिर चलते हैं आगे की तरफ। तो पुलिस चेक पोस्ट डबलिंग में हम रुके हैं, और हमारे नीचे देखिए नदी जा रही है, और अभी हमें इस रोड से जाकर वहां जाना है सामने। तो गाइस यहां पे हमने एंट्री करवा दी है और अब हम चल रहे हैं आगे की तरफ। तो फाइनली गाइस पहुंच गए हैं अब हम संगम पे, और एक है स्पीति रिवर और एक है सतलुज रिवर। यहाँ पे इन दोनों रिवर का संगम हो रहा है, मिलन हो रहा है आपस में, शादी हो रही है आपस में। कहने का मतलब तरीका ये है कि दोनों नदी के बीच में शादियाँ हो रही हैं, और शादी और ये हो रही, और बराती हम हैं। तो गाइस रास्ता देखे, पहाड़ देखे भाई, ऊपर मैं कह रहा हूँ खतरनाक, अल्टीमेट, एकदम मस्त तरीके से। अब हम आए हैं उस साइड से, तो सामने आपको रोड दिख रही है, ब्रिज क्रॉस करके आए हैं, और अब हमें जाना है काचा की साइड। तो चलो गाइस वो देख लो सामने पहाड़, मैं आपको एक बार रोड के बीच में दिखाता हूँ। ये देखो भाई, अल्टीमेट जिसे कहते हैं ना मस्त, वो है मस्त। और हवा बहुत ही तगड़ी चल रही है हवा, और भाई रोड आप देखोगे ना एकदम चकाचक नीट एंड क्लीन रोड है, बिल्कुल साफ सफाई है एकदम। तो गाइस हम भी कहीं खाना वगैरह कहीं भी कुछ खा पी रहे हैं, तो हम भी इस तरीके की गंदगी कोई नहीं फैला रहे हैं, इस तरीके की गंदगी हम नहीं फैला रहे, ठीक है। हम अपना लेके चल रहे हैं, जहाँ भी हमें डस्टबिन दिख रहा है हम वहाँ डाल रहे हैं कूड़े को। अब बताओ नीचे बोतल पड़ी हुई है, यहाँ पड़ी हुई है, अब मैं इसे उठा कर नीचे डालूँ, कहाँ करूँ, कैसे करूँ। चलो कोई बात नहीं, संगम देख लिया दोनों रिवर के बीच। तो गाइस मैं ना आगे की तरफ जा रहा हूँ, गाड़ी वो खड़ी, और मैं आगे तरफ क्यों जा रहा हूँ, नदी के किनारे किनारे मैं चल रहा हूँ, आगे तरफ मैं इसलिए जा रहा हूँ, ये जो पहाड़ है एकदम अल्टीमेट। तो मन कर रहा है एक गाड़ी की वीडियो बनाने का, और आगे तो हम आपको और अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएंगे, इससे भी खतरनाक आपको पहाड़ दिखाएंगे, इससे भी खतरनाक आपको रास्ता दिखाएंगे, खतरनाक कुछ नहीं है। ये देखिए गाइस मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जैसे थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था व्लॉग में
कि आप ये देखिए कि जो पहाड़ है ना, ऊपर देख लो, यहाँ देख लो, ये बिल्कुल रोड के ऊपर है। मतलब इतना खतरनाक है व्यू, मतलब इसके नीचे खड़ा हूँ मैं, देख लो। ठीक है, ये कब टूट के नीचे गिर जाए आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। आपको हवा की साउंड आ रही होगी, कितनी तकड़ी हवा चल रही है, बहुत तेज हवा चल रही है भाई। नीचे देखिए नदी। तो गाइस, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। मैं एक बात अभी आपको बता ही रहा था कि देखो, समय कुछ नहीं पता होता। मैं पहाड़ के ऊपर खड़ा हूँ, कब गिर जाए कुछ नहीं पता, कभी भी किसी भी चीज़ का, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये देखो, ये ऊपर से गिरा है और ऊपर बहुत ही ऊंचाई पर पहाड़ हैं, बहुत ही ज़्यादा ऊँचाई पर। अब ये मशीन आएगी और ये हमारे देश के वीर जवान खड़े हैं, और मशीन आएगी वो हटाएगी, तब जाकर कुछ जा सकते हैं हम आगे। और मैं आपको पास से ले आकर एक बार दिखाता हूँ। गाइस, बिल्कुल पास आकर हम आपको दिखा रहे हैं। और ऊपर देखो यार, कुछ नहीं पता होता कब कहां से क्या गिर जाए, कुछ नहीं पता। रोड भी टूट गया, आई थिंक रोड भी टूट गया ना, रोड भी टूट गई। गाइस, अब आए हैं आधे घंटे बाद और अब जो छोटे मोटे पत्थर हैं वो नीचे फेंक रहे हैं। यार रोड धस गई पूरी, ये देख सकते हो आप, मैं तो बिल्कुल पास आ गया हूँ। ये देखो पापा वो जा रहे हैं, ये देखिए ऊपर, भाई सब देखने में ही हालत खराब हो रही है। और ये जब गिरा होगा तो यार उस टाइम का सीन तो हमें नहीं पता भाई क्या हुआ होगा। अब ये काफ़ी टाइम बाद हटेगा और नीचे जो छोटे मोटे पत्थर है वो नीचे डाल रहे हैं, वो आए हैं अब ट्रक में। पीछे रुकना पड़ेगा अब तो, पीछे रुकना पड़ेगा कहीं अब तो, मतलब टाइम तो लगेगा ही। गाइस अभी हम यहीं से ही गए थे और यहीं से ही वापस आ गए हैं, और वहाँ पे अभी ब्लास्टिंग होगी। तो ब्लास्टिंग का चक्कर ये रहता है थोड़ा सा कि अगर एक जगह ब्लास्ट करेंगे तो फिर कई सारे पत्थर हिलते हैं, तो इस वजह से हमें काफ़ी पीछे आना पड़ा। और अब हम आ गए यहाँ पे, हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी, यहाँ पे एक होटल है, वहाँ पे हम अपना चाय नाश्ता करेंगे क्योंकि व्रत भी हमारा, और संगम के पास आकर हम रुक गए हैं। और अभी चलो देखते हैं कितनी देर बाद रास्ता खुल जाएगा। संगम पे आकर हम बैठ गए हैं और अब हम संगम को एक्सप्लोर करेंगे अच्छे से। कितना लीटर पानी आगे की तरफ जाता है, मजाक कर रहे हैं यार। अब एक कप चाय बनवाई है और ये बैठे मेरे मम्मी के साथ आ रहे हैं, गाड़ी में बैठे पापा और ये पीछे है, तो अभी वहाँ कह रहे हैं ब्लास्ट होगा जैसे कि मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले। और चलो चाय वाय पीते हैं। और हवा यार एकदम फाड़ू चल रही है, हवा बहुत तेज चल रही है। और पापा कह रहे कभी वहाँ ब्लास्ट हो और पता लगे ये भी दौड़ गिर नीचे, ब्लास्ट बहुत तेज होता है ना। तो चलो गाइस, मिलते हैं भी आपको थोड़ी देर में, जैसी कोई न्यूज़ आएगी हम आपको जरूर बताएंगे। तो गाइस, एक आधा सीन तो हमारे साथ ऐसा हो ही जाता है। लद्दाख ट्रिप पे भी जब हम वापसी आ रहे थे पेंगोंग लेक वाले रास्ते पे, वहाँ पे और था पुल ठीक,
और अब यहाँ पे लैंडस्लाइड हो गई, अब यहाँ पे ब्लास्ट होगा तब जाकर कुछ होगा। एक आधा सीन तो होते ही रहता है यार, लाइफ है तो चलता रहता है इतना तो। और बाकी ये देखो उस टाइम भी यही टाइम हो रहा था और आज भी यही टाइम हो रहा है। तो फाइनली गाइस वो रास्ता तो नहीं खुला, तो सुबह ही खुलेगा। और अब हमें पू में रुकना पड़ा है और हमने रूम लिया है, बड़ी मुश्किल से रूम मिला है क्योंकि सारे फुल हो गए, जो भी टूरिस्ट आते थे सब ने बुक कर लिए पहले से पहले ही, जिनको पता था कि रास्ता नहीं खुलेगा। हम वहाँ खड़े थे ताकि हम सोच रहे थे कि रास्ता क्या पता खुल जाए और दो चार घंटे में, लेकिन नहीं खुलना था वो, सुबह ही खुलेगा अब तो। तो अब जाकर हमने रूम ले लिया है। तो गाइस इस व्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड। होपफुली वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, बाय, टेक केयर।